लो कॉफी पियो। क्या हाल बना रखा है अपना तुमने, और कहां थे तुम कल पूरी रात? यही था, मैं निकल जाऊंगा। हम पूरी रात तुम्हें तलाश कर रहे थे आर्यन। तुम्हें पता है मरियम तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गई थी? ये सारी परेशानियां उसी के लाडले भाई की पैदा करता है। आर्यन तुम समझते क्यों नहीं हो? हाँ, तुम्हें अगर लगता है कि ये शहरी की कोई चाल है तो तुम अपना टेंपर लूज करके उसको सही क्यों साबित करना चाहते हो? ये चीजें तुम लोगों को नजर आ रही हैं, तो मरियम क्यों नहीं समझ रही? क्यों उसने एक ही रट लगा कर रखी अपने भाई की मर्जी पर चलने की? वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है आर्यन, लेकिन वो एक बहन भी है। वो क्यों अपने भाई के खिलाफ जाएगी? तुम उसकी मजबूरी समझो मेरे भाई। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो, कि मैं शहरी की फजूल और अहमकाना बातों को मानकर हाँ कह दूं? मतलब मुझे अपनी मोहब्बत उस शहरी जैसे इडियट को प्रूफ करनी? नहीं नहीं भाई नहीं, किसने कहा तुमसे? यू डोंट नीड टू मेरी जान, मगर इस बात बात मरियम की है और उसकी मजबूरी समझो मेरे भाई। वो अपने भाई के खिलाफ नहीं जा सकती। ठीक, मजबूरी मरियम की है ना, मेरी तो नहीं। अभी जाता हूं उसके पास, गाड़ी की चाबी निकाल। आर्यन स्टॉप इट, तुम बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम्हें क्या करोगे अभी जाके तुम उधर? आर्यन यार तुम कहाँ रह गए थे सारी रात? मरियम इतना परेशान हो रही थी। मरियम किधर है? कुछ जरूरी बात करनी है बच्चों से। टेल इट्स वेरी अर्जेंट। आओ ऊपर ही, ऊपर ही। कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, ऐसे क्यों करते हो मेरे साथ? चलो मेरे साथ, हम भी चलकर निकाह करेंगे। ठहरो। मैं तुम्हारे साथ इस तरह नहीं जा सकती। तुम मुझे अपने भाई की तरह पागल और जनूनी समझती हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमने मेरे साथ चलने से इनकार क्यों किया? आर्यन, क्योंकि मैं लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि तुम जनूनी और पागल नहीं हो। तुम बहुत अलग हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। Are you serious? तुम भी शहरी वाली बातें दोहरा रहे? नहीं यार। You know this very well, that all of this is absolute rubbish. हमें जुदा करने के लिए ड्रामे रचा रहा है यार, खेल खेल रहा है वो। Don't you understand? बात सुनो, अगर वो ऐसा कर भी रहा है, प्लीज आर्यन मेरी बात सुनो, अगर वो ऐसा कर भी रहा है, ऐसा ड्रामा कर रहा है, तो प्लीज उसकी बात सुन लो ना। तुम उसे बता दो कि तुम हर शर्त कबूल कर लोगे। हाँ तुम कर सकते हो आर्यन, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम कर सकते हो ना, है ना? I can't believe it. मतलब तुम भी अपने भाई की बातों में आ गए। इसलिए मुझे और मेरी मोहब्बत को इस इम्तिहान और आजमाई से गुजारना चाहती हो? पर लिसन,
I'm not interested. आर्यन प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज, अगर वो तुम्हें कह भी रहा है, आर्यन प्लीज शेरी को समझो, वो अगर इनसिक्योर है, हमारा बचपन तुम जानते हो कैसा गुजरा है, प्लीज इस बात को समझो, अगर वो कुछ भी कह रहा है उसकी बात को सुन लो ना यार, मेरे पास वो ही तो है और उसके पास मैं ही तो हूँ, और फिर मैं देख रही हूँ ना, मैं फ्यूचर के बारे में देख रही हूँ, तुम नहीं देख रहे हो, तुम्हें नहीं समझ आ रही कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मतलब मेरा शक ठीक निकला ना, तुम दोनों बहन भाई अपनी इनसिक्योरिटीज का बदला मुझसे ले रहे हो। अगर मुझे अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए किसी टेस्ट से गुजारने की जरूरत नहीं है मरियम, और तुम्हें अपना भाई ठीक लगता है ना, तो लिव विद इट, मैं तुम्हारे बगैर रह लूंगा। कर दिखाऊंगा नहीं, अभी भी नंबर बन जा रहा है। बहुत गुस्से में क्या है ऐसे? यार तुम्हारी तुम भी कमाल करती हो ना, मैं पता है वो कितना वॉलेटाइल है, यार आराम से बात करती। यार आराम से ही बात की थी मैंने उससे, बहुत प्यार से समझाया है, पर वो बात की ग्रेविटी को समझ ही नहीं रहा। अच्छा तुम फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। कहाँ जाएगा, घर ही आएगा ना वापस। मसला यह नहीं है, मसला ये है कि वो शेरी की किसी भी शर्त को कबूल ही नहीं करना चाहता। इस बारे में क्या करूं मैं? ये तो मसला है भाई, क्योंकि फिर शेरी को लगेगा कि वो सच में अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकता, उसका शक यकीन में बदल जाए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हिम, मेरे और शेरी के डायनामिक को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा। भाई है यार मेरा, मैं ऐसे तो नहीं मैं अगेंस्ट जा सकती ना उसकी। अच्छा ना तुम रो तो मत, इट्स ओके, हम कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं ना इसका। ये लो पानी पियो।